हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड हाउ आर यू। आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रॉन, जो कि हमारी किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन को। हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी को हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आज उसके यूनिट के बारे में हम जानेंगे। किसके बारे में? यूनिट के बारे में। मीन्स हम नेफ्रॉन के बारे में जानेंगे। नेफ्रॉन, चूँकि देखिए, नेफ्रॉन जो हमारा किडनी होता है वो पैरेन्काइमल टिशू का बना होता है। पैरेन्काइमल टिशू का मिलकर के बना होता है, और जो पैरेन्काइमल टिशू बना होता है वो नेफ्रॉन सेल से मिलकर बना होता है। सेल से? नेफ्रॉन सेल से। इसीलिए नेफ्रॉन सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोल देते हैं। ठीक है। अब ये जो हमारा नेफ्रॉन होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 centimeter लेंथ होता है। इसका क्या होता है? अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 centimeter इसका लेंथ होता है, और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। नेफ्रॉन का जो होता है स्ट्रक्चर होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। ये जो नेफ्रॉन होता है हमारा, ये इसका जो ये 2 parts से मिलकर के बना होता है। कितने पार्ट से मिलकर के बना होता है? 2 parts से मिलकर के बना होता है। नंबर फर्स्ट जो होता है वो बोमेन कैप्सूल होता है, और नंबर सेकेंड जो होता है वो क्या होता है? रेनल ट्यूब्यूल होता है। क्या होता है? रेनल ट्यूब्यूल होता है। मीन्स ये जो हमारा नेफ्रॉन होता है ये 2 types के पार्ट से मिलकर होता है, बोमेन्स कैप्सूल। अब फर्स्ट पार्ट हम इसका देख लेते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल जो होता है, जो नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है उसका जो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, क्या होता है? जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उस पॉइंट में, उस स्टार्टिंग पॉइंट पर जो आर्ट्रियोल होती हैं, आर्ट्रियोल एफरेंट आर्ट्रियोल अप्रॉक्सीमेटली 50 capillaries में, अप्रॉक्सीमेटली 50 capillaries में टूट कर एक बंच बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? एक बंच बना लेती हैं। मीन्स एक गुच्छे, लाइक जैसे अंगूर का गुच्छा होता है उस तरह से एक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, और वो स्ट्रक्चर उसी जो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है नेफ्रॉन का, उसी में एक हॉलो स्ट्रक्चर बन जाता है, उसी में आकर के धंसी हुई होती हैं। क्या होती हैं? उसी में आकर के एकदम सेट हुई रहती हैं। ठीक है। और जब ये कैपिलरीज रीजॉइन होकर के इफरेंट आर्ट्रियोल बना लेती हैं, क्या बना लेती हैं? इफरेंट आर्ट्रियोल बना लेती हैं। जो ये बंच होता है, जो 50 capillaries में टूटी होती हैं आर्ट्रियोल, इसे हम क्या बोल देते हैं? ग्लोमेरुलस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ग्लोमेरुलस बोल देते हैं। ठीक है। अब ये नेफ्रॉन क्या होता है? जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि हम एक बलून फुला रहे हैं, और बलून को फुला करके उसे हम उंगली से दबा देते हैं। क्या करते हैं? उंगली से जब दबाते हैं तो जो हॉलो स्ट्रक्चर बनता है, जो उंगली का से के में दबाने से जो हॉलो स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम बोमेन्स कैप्सूल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बोमेन्स कैप्सूल बोल देते हैं। और जो वो फिंगर हमारा होता है, जो उंगली हम रखे होते हैं उसे, वो समझ लो कि ग्लोमेरुलस कैप्सूल है। इस तरह से समझेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। अब ये क्या हो गया? ये बाईलेयर इपिथीलियम बन गया। क्या हो गया? बाईलेयर इपिथीलियम हो गया। ठीक है। तो जो ये इपिथीलियम, ये एक मतलब कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर, एक कप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसी को हम बोमेन्स कैप्सूल बोल देते हैं। और ये डबल लेयर का बना होता है। कितने लेयर का? डबल लेयर का बना होता है। और क्यों डबल लेयर का बना होता है? एक्चुअली ये होता है सिंगल लेयर ही, बट ये इसमें अंदर, इसकी जो ऊपर का इपिथीलियम होता है ये अंदर धंस जाने की वजह से ये डबल लेयर हो जाता है। ठीक है। अब इस जो ये बोमेन्स कैप्सूल की जो सेल्स होती हैं, इसमें कुछ पॉड लाइक स्ट्रक्चर की सेल होती हैं। पॉड लाइक स्ट्रक्चर मतलब फूट लाइक स्ट्रक्चर की सेल होती हैं, उसे हम पोडोसाइट्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ऐसे इस तरह से सेल्स बनी होती हैं। ऐसे इसमें कुछ माइक्रोविलाई वगैरह निकले होते हैं। ठीक है। इसमें माइक्रोविलाई निकले होते हैं। इसी तरह से ये फूट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। कैसे? फूट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। इसमें इसी बोमेन्स कैप्सूल के जो इनर इपिथीलियम है, क्या है? इनर इपिथीलियम जो है इसमें पोडोसाइट सेल पाई जाती है, मतलब फूट लाइक स्ट्रक्चर की सेल पाई जाती है, उसे हम पोडोसाइट्स बोल देते हैं। ये पोडोसाइट सेल जो होती हैं ये इसी तरह से इसमें लगी होती हैं, और इसमें कुछ माइक्रोविलाइज निकले होते हैं। क्या निकले होते हैं? माइक्रोविलाइज निकले होते हैं। और जो ये जो कैपिलरीज होती हैं, जो आर्ट्रियोल्स से टूट करके जो कैपिलरीज बनी होती हैं, इसमें कुछ मायोसाइट सेल होते हैं। क्या होते हैं? मायोसाइट्स सेल होते हैं। मीन्स इसका जो पोरस स्ट्रक्चर होता है, इसका भी क्या होता है? पोरस स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह की मायोसाइट्स सेल होती हैं, इसका पोरस स्ट्रक्चर। अब ये दोनों सेल क्या होती हैं?
ये जो इसकी माइक्रोविलाई है, पोडोसाइट सेल की जो माइक्रोविलाई है, ये जाकर के कैपिलरीज की चारों तरफ लिपट जाती है। क्या होती है? कैपिलरीज के चारों तरफ लिपट जाती है और एक छन्नी की तरह से स्ट्रक्चर बना लेती है। ये एक छन्नी की तरह से स्ट्रक्चर मीन्स एक मेम्ब्रेन, पोरस मेम्ब्रेन बना लेती है। मीन्स उसमें बहुत सारे पोर होते हैं, उस तरह की मेम्ब्रेन बना लेती है और उसे हम बोल देते हैं ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। क्या बोल देते हैं? ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जहाँ से हमारा फिल्ट्रेट क्या होता है, छनता है, जो जो मीन्स जो ब्लड होता है वहां से फिल्टर हो पाता है। ठीक है, अब ये जो ग्लोमेरुलस है, ये जो ग्लोमेरुलस है और बोमेंस कैप्सूल, इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिला करके हम क्या बोल देते हैं? मैलपिगियन कॉर्पसल्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मैलपिगियन कॉर्पसल्स बोल देते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर। क्या हो गया? फर्स्ट स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का बोमेंस कैप्सूल। और सेकेंड जो स्ट्रक्चर है हमारा वो है रेनल ट्यूब्यूल। क्या है? रेनल ट्यूब्यूल है, जिसमें हमारा नेक आ जाता है और PCT आ जाता है, लूप ऑफ हेनले आ जाता है, DCT आ जाता है। ठीक है, तो ये जो बोमेंस कैप्सूल की थोड़ी सी हल्की सी टर्निंग पॉइंट होती है, इसको हम नेक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नेक बोल देते हैं। और यहाँ से इसकी ट्यूब कुछ घनी सघन सी ऐसी उलझी सी हुई होती है, उलझी सी हुई होती है। इसे जो मीन्स जो बोमेंस के कैप्सूल के साइड का जो पार्ट होता है, इसे हम PCT बोल देते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। क्या? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बोल देते हैं। मीन्स कि प्रॉक्सिमल मीन्स इसके, इससे ये मतलब हो गया कि ये बोमेंस कैप्सूल के पास वाला ट्यूब्यूल है। क्या है? बोमेंस कैप्सूल के पास वाला ट्यूबवेल है, इसीलिए इसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबवेल बोलते हैं। उसके बाद ये ट्यूबवेल जो होती है, ये थोड़ी सी सकरी हो जाती है, थोड़ा सा थिन हो जाती है और ये एक यू पिन लाइक, यू पिन की स्ट्रक्चर में आ जाती है। क्या होते हैं? यू पिन का स्ट्रक्चर बना के रखती है और इसे हम लूप ऑफ हेनले बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले बोल देते हैं। और ये टू पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक तो इसका डिसेंडिंग पार्ट होता है और एक इसे एसेंडिंग पार्ट होता है। मीन्स जब ये PCT नीचे की तरफ मुड़ जाती है, क्या होती है? PCT सक्रिय होकर के नीचे की तरफ मुड़ जाती है, तो उसे हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोल देते हैं। और जब ये यू टर्न ले करके फिर ऊपर की तरफ उठती है, मीन्स फिर ऊपर की तरफ उठती है, तो इसे हम एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोल देते हैं। ठीक है, और एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो होता है, ये नीचे में जो मीन्स जो DCT से थोड़ा सा दूरी पे जो होता है, मीन्स इसका डिसेंडिंग का टर्निंग पॉइंट जो होता है वो थोड़ा पतला होता है, उसके बाद ये थोड़ा ब्रॉड स्ट्रक्चर बना लेता है। जो एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो DCT की तरफ होता है, ये क्या करता है? ब्रॉड स्ट्रक्चर बना लेता है, तो ये थिन भी होता है और उसके बाद फिर ये थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। और जब ब्रॉड स्ट्रक्चर बना करके ये दोबारा से क्या होता है? डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में चेंज हो जाता है। किसमें हो जाता है? डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में ये चेंज हो जाता है, इसे हम डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बोल देते हैं। और ये ट्यूब्यूल यहां पर जाकर के एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में ज्वाइन हो जाता है। क्या? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में ज्वाइन हो जाता है। ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल क्या होता है? एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर में जाकर के मिल जाती है। किसमें? डक्ट लाइक स्ट्रक्चर में जाकर के मिल जाती है, जिसे हम कलेक्टिंग डक्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कलेक्टिंग डक्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का जो पार्ट हो गया, ये जो रेनल ट्यूब्यूल है मीन्स सेक्रेटरी, इसे हम सेक्रेटरी ट्यूब्यूल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सेक्रेटरी ट्यूब्यूल भी बोल देते हैं। ये PCT, लूप ऑफ हेनले और DCT थ्री पार्ट में डिवाइडेड होता है। किसमें? PCT मीन्स प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, और DCT मीन्स डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। DCT डिजिटल मीन्स कि ये वोमेन कैप्सूल से दूर वाला पार्ट है। ठीक है, और प्रॉक्सिमल मीन्स वोमेन कैप्सूल से नजदीक, मीन्स वोमेन कैप्सूल से जो सटा हुआ पार्ट है उसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बोल देते हैं। इतना तो ये हुआ नेफ्रॉन का पार्ट। अब जब ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से में मिल करके ये कलेक्टिंग डक्ट में जाकर के मिलती है, ये कलेक्टिंग डक्ट होता जो होता है इज द नॉट पार्ट ऑफ क्या? नेफ्रॉन। ये कलेक्टिंग डक्ट जो होता है ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है। ये क्या होता है? इसमें कई सारे नेफ्रॉन्स, ये जो ब्रांचिंग हुई है यहाँ पे कई सारे नेफ्रॉन्स आकर के, अप्रॉक्सीमेटली 4000 नेफ्रॉन्स आकर के यहाँ से कनेक्ट हुए रहते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 4000 नेफ्रॉन आकर के इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के थ्रू आकर के कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं। यहाँ पर अपना जो यूरिन वो नेफ्रॉन में बना होता है उसको क्या करते हैं? यहाँ पर भेज देते हैं। ठीक है,
तो ये जो जो हमने बताया था, जो किडनी का जो मेड्यूलरी पार्ट होता है, जो मेड्यूलरी पिरामिड होता है, उसमें ये कलेक्टिंग डक्ट और क्या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स की वजह से वो स्ट्रेट दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? स्ट्रेट, जैसे ये पिरामिडल शेप, ऐसे इसी तरह से मेड्यूलरी हो जाता है, मेड्यूलरी पिरामिड होता है हमारा किडनी का। तो इसमें ऐसे स्ट्रेट लाइन जो दिखाई पड़ती है वो इसी कलेक्टिंग डक्ट और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की वजह से दिखाई पड़ती है, ठीक है। और जब कई सारे कलेक्टिंग डक्ट जो होते हैं वो आकर के आपस में जब मिलते हैं तो इसे हम बोल देते हैं डक्ट ऑफ विलनाई। क्या बोल देते हैं? डक्ट ऑफ विलनाई बोल देते हैं, ठीक है, या पैपिलरी डक्ट भी बोल देते हैं। और यही डक्ट ऑफ विलनाई जो होती है ये यूरेटर के पेल्विस में जाकर के ओपन होती है। कहां पर ओपन होती है? यूरेटर के पेल्विस में जाकर के ओपन होती है, वहां पर ये यूरिन को पास करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेफ्रॉन, मीन्स एक जो एक कलेक्टिंग डक्ट होता है, एक कलेक्टिंग डक्ट जो होता है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 4000 नेफ्रॉन आकर के कनेक्ट हुए रहते हैं, ठीक है। और एक किडनी में अप्रॉक्सीमेटली 250 कलेक्टिंग डक्ट पाए जाते हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 250 कलेक्टिंग डक्ट पाए जाते हैं। और ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स का नंबर होता है वो पर किडनी 10 लैक्स होता है, 10 to 12 लैक्स पर किडनी, 10 to 12 लैक होता है, मीन्स 1 मिलियन, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो सोचिए हमारे जो दोनों किडनियां हैं उन दोनों किडनी में 2 मिलियंस नेफ्रॉन पाए जाते हैं, कितने? 2 मिलियंस नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ओके। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक नेफ्रॉन सेल। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ओके।